कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। जब तक संत नहीं आगे आएंगे तब तक रामराज नहीं आ सकता है। नरेंद्र मोदी विश्वामित्र के समान है, तो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, वो अपने दिमाग को इलाज करा दें। उनके पेट बड़े हैं और पांव से चल नहीं पाते, पर जुबान उनकी बहुत चलती है और बहुत तीखी चलती है, भारत के राष्ट्र के विरुद्ध ही चलती है। मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूं कि उनका नाम खड़ग से है और खड़ग मतलब तलवार, काटने काम बांटने काम तलवार करता है, और योगी का शब्द योग से बना है, योग मतलब होता है जोड़ना, हम लोग जोड़ने काम करते हैं, काटने काम नहीं करते। और अयोध्या के राक्षसों को मारने के लिए हमारे संतों ने ही सबसे पहले राजनीति की शुरुआत की थी। जब तक संत नहीं आगे आएंगे तब तक रामराज नहीं आ सकता है। आज पूरे विश्व का जो मित्र हैं वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं। इस नाते नरेंद्र मोदी विश्वामित्र के समान है, विश्व अस्य मित्र है, यस्य विश्वामित्र है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं खड़गे से, राजनीति जो है, राजनीति में धर्म होना चाहिए, बल्कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए निश्चित रूप से मल्लिका खड़गे जी का जो है बुद्धि विक्षिप्त हो चुका है, वो दूषित मानसिकता हो गई है, वो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, वो अपने दिमाग को इलाज करा दें। इस प्रकार से टिप्पणी साधु संतों पे देना, भगवा वस्तुओं पे देना, जब अभी देखिए जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाया गया, क्या वो आतंकवादी देश को बनाने जाते हैं? वो पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं? देश को अलगाववाद का नारा देने वाले, देश को खंड खंड विभाजित करने वाले, देश को जो है टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले, ये वही कांग्रेसी हैं जो एक संप्रदाय एक महज एक व्यक्ति विशेष के राजनीति करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो गठबंधन की जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक जो नारा चला, सबको समरसता से स्थापित करने का काम करते हैं, सबको गले लगाने का काम करते हैं। देखिए कांग्रेस में बहुत से नेता ऐसे हैं जो सफेद वस्त्र तो पहनते हैं पर उनका मन उतना ही काला है। उनके पेट बड़े हैं और पांव से चल नहीं पाते पर जुबान उनकी बहुत चलती है और बहुत तीखी चलती है, भारत के राष्ट्र के विरुद्ध ही चलती है और निरंतर चलती आई है। और चूंकि इनको मानवीय मूल्यों का भी कोई अनुकरण नहीं है और ये मनुष्य में आते भी नहीं है, ये पालतू में आते हैं और इनके इष्ट देव जो है पार्टी के ही बड़े आला अधिकारी आला नेता ही होते हैं। राहुल गांधी इनके बड़े नेता हैं, इनके इष्ट हैं, सोनिया माता इनकी इष्ट देवी हैं और उन्हीं के लिए ये कार्य करते हैं और उनके लिए ही ये सारी चीजें बोलते हैं और उनके लिए ही ये जो कर पाते हैं करते हैं। इनका और दूसरा कोई अभिप्राय नहीं है, इनका एकमात्र ये अभिप्राय है कि ये कैसे हिंदू समाज को तोड़ लें, फोड़ लें, मरोड़ लें और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साध लें। पर जनता जागरूक है और जनता समझ चुकी है, चूंकि यार जब देखेंगे तो भगवा मात्र कोई वस्त्र नहीं, भगवा एक क्रांति है जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी।